असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी समाजशास्त्र की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे वर्ण। भारतीय प्राचीन भारतीय समाज एवं संस्कृति में पाई जाने वाली सामाजिक स्थिरीकरण की एक प्रक्रिया, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। वर्ण विश्व के सभी समाजों में सामाजिक वर्ग अवश्य पाए जाते हैं। इतना अवश्य है कि कहीं सामाजिक वर्गों का निर्माण जन्म के आधार पर होता है तो कहीं धन के आधार पर। मनुष्य की प्रवृत्ति तथा व्यवसाय के आधार पर समाजों का विभिन्न वर्गों के रूप में विभाजन प्राय सभी देशों में देखने को मिलता है। भारत के विचारकों ने भी मनुष्य की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक स्थिरीकरण की ऐसी योजना को अपनाया जिसके अंतर्गत समाज को कार्यात्मक दृष्टि से चार भागों में बांटा गया था। ये चार वर्ग ही चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय सामाजिक संगठन के मौलिक तत्वों के रूप में वर्ण व्यवस्था का विशेष महत्व पाया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति अर्थात गुणों को ध्यान में रखकर ही समाज में उसका स्थान और कार्य निश्चित किए गए थे। यहाँ सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति और समाज दोनों को समान रूप से महत्व दिया गया था। यदि यह कहा गया जाए कि वर्णाश्रम व्यवस्था सामाजिक संगठन के हिंदू सिद्धांत की आधारशिला के रूप में कार्य करती है तो इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम जानेंगे वर्ण का अर्थ। कई लोग वर्ण और जाति को एक ही मान लेते हैं, परंतु वास्तव में ये दोनों पृथक पृथक अवधारणाएं हैं। शाब्दिक दृष्टि से वर्ण शब्द के तीन संभावित अर्थ लगाए गए हैं, जो हैं वर्ण या चुनाव करना, दूसरा रंग और तीसरा वृत्ति के अनुरूप। पहले अर्थ को लोग विशेष महत्व देते हैं। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति व्रत धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है वर्ण या चुनाव करना। इस दृष्टि से व्यक्ति अपने लिए जिस व्यवसाय का चुनाव करता है उसी के अनुसार उसके वर्ण का निर्धारण होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ण उन लोगों का एक समूह है जिनका व्यवसाय समान है। वर्ण शब्द का दूसरे अर्थ रंग से लगाया गया है। सबसे पहले ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग अर्थात काले रंग की जनता के लिए किया गया है तथा प्रारंभ में आर्य और दास इन दो वर्णों का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर घोरिये के अनुसार आर्यों ने यहाँ के आदिवासियों को पराजित करके उन्हें दास या दस्यु नाम दिया और अपने तथा उनके बीच अंतर प्रकट करने के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ रंग भेद से है। वर्ण शब्द का यह अर्थ इस बात को प्रकट करता है कि शब्द का प्रयोग आर्यों एवं दस्युओं के बीच पाए जाने वाले प्रजातीय अंतर को स्पष्ट करने हेतु किया गया। पीबी काणे के अनुसार प्रारंभ में गौर वर्ण का प्रयोग आर्यों के लिए और कृष्ण वर्ण का दासों या दस्यु के लिए किया जाता था। बाद में वर्ण शब्द का प्रयोग गुण एवं कर्मों के आधार पर बने हुए चार बड़े वर्गों के लिए किया गया। सेनार्ट ने इसी मत को मानते हुए लिखा है कि आर्यों और दस्युओं के रंग का व्यक्त करने वाला वर्ण शब्द बाद में समाज के चार वर्गों को व्यक्त करने लगा। वर्ण शब्द का तीसरा अर्थ वृत्ति से संबंधित है। इस दृष्टि से जिन व्यक्तियों की मानसिक एवं व्यवहार संबंधी विशेषताएं एक समान हो, अर्थात जिन व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा या समान हो, उन्हीं से मिलकर एक वर्ण बनता है। शाब्दिक अर्थ के आधार पर वर्ण के वास्तविक अर्थ को नहीं समझा जा सकता। वर्ण का संबंध व्यक्ति के गुण तथा कर्म से है। जिन व्यक्तियों के गुण तथा कर्म समान थे, अर्थात जो समान स्वभाव के थे, वे सब एक ही वर्ण के सदस्य माने जाते थे। भगवत गीता में इसी बात को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण ने कहा है, चातुष्वर्ण मया सिष्टम गुण कर्म विनाशय विभागशय, अर्थात मैंने ही गुण और कर्म के आधार चारों वर्णों की रचना की है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्थिरीकरण की ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के गुण तथा कर्म पर आधारित है तथा जिसके अंतर्गत समाज का चार वर्गों के रूप में कार्यात्मक विभाजन हुआ है। यहाँ गुण तथा कर्म का तात्पर्य व्यक्ति के स्वभाव
एवं सामाजिक दायित्व से है। समाज में विभिन्न कार्यों को ठीक प्रकार से चलाने के उद्देश्य से व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ या उनके स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें विभिन्न समूहों अर्थात चार वर्णों में बांटा गया था। प्रत्येक वर्ण के सदस्य अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए अर्थात अपने दायित्वों को निभाते हुए सामाजिक उन्नति में योग देते थे। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए। उनमें से कुछ मत धर्मग्रंथों में व्यक्त विचारों पर आधारित हैं और कुछ आधुनिक सिद्धांतों पर। अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये विभिन्न प्रकार के मतों के अनुसार वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले हम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार वर्ण की उत्पत्ति जानने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण पुरुष अर्थात विराट स्वरूप परमात्मा के मुख रूप से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से अथवा उदर से और शूद्र उनके पाँव से निकले हैं। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होने के कारण उनका कार्य बोलना तथा लोगों को शिक्षित करना है। ब्राह्मण की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी गई है। भुजाएं शक्ति की सूचक हैं, अतः क्षत्रियों का कार्य शासन संचालन तथा शस्त्र धारण कर समाज की रक्षा करना है। उदर या जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति मानने के कारण वैश्यों का कार्य व्यापार एवं पशुपालन द्वारा संपत्ति का उत्पादन एवं लोगों की उदर पूर्ति करना है। शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा विराट पुरुष के पैरों से मानने के कारण उन्हें सभी वर्णों की सेवा करने का कार्य सौंपा गया। इसका कारण यह है कि पांव का कार्य शरीर का शरीर के भार को संभालना है, अतः शूद्रों को सेवा द्वारा समाज के भार को वहन करना है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के इस श्लोक की मौलिकता से बहुत से लोग संदेह प्रकट करते हैं और मानते हैं कि इसे बाद में जोड़ दिया गया है। उपनिषदों के अनुसार वर्ण की उत्पत्ति। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए उपनिषदों में बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद से वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ जानकारी हमें मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मण को ही जन्म दिया। ब्राह्मण सभी कार्यों को पूरा नहीं कर सके तो समाज में क्षत्रियों को ध्यान में रखकर ब्रह्मा ने समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर ब्रह्मा ने क्षत्रियों को उत्पन्न किया। लेकिन जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्णों से भी समाज से संबंधित सभी कार्यों की पूर्ति नहीं हो सकी तो ब्रह्मा ने वैश्य वर्ण की रचना की। इन तीनों वर्णों की उत्पत्ति के पश्चात भी जब समाज से संबंधित सभी कार्यों को ठीक से संचालित नहीं किया जा सका तो ब्रह्मा ने शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की। ब्रह्मा ने ब्राह्मण के अंतर्गत इंद्र, वरुण, सोम तथा यम देवताओं को, वैश्य के अंतर्गत वसु, आदित्य, मारुत आदि देवताओं को और शूद्र के अंतर्गत कुषाण देवता को जन्म दिया। स्वर्गलोक की इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर मृत्युलोक के वर्णों की उत्पत्ति हुई। इसमें दो बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम, सामाजिक आवश्यकता के अनुसार अलग अलग समय पर विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई और दूसरा, वर्णों की उत्पत्ति का आधार उनके द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर होता है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति की स्वभावगत विशेषताएं या उसके गुण बनते हैं और इन्हीं के आधार पर उसकी वर्ण विशेषता की सदस्यता निश्चित होती है। स्पष्ट है कि उपनिषदों में विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का आधार व्यक्ति के गुण एवं कर्म माने गए हैं। महाभारत के अनुसार वर्ण की उत्पत्ति। महाभारत में ब्रह्मा को विभिन्न वर्णों का उत्पत्ति करता बताया गया है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए चरण अथवा पैर से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। शांति पर्व में ही अपने शिष्य भारद्वाज को महर्षि भृगु ने कहा है कि प्रारंभ में केवल एक ब्राह्मण द्विजवर्ण ही था। यही वर्ण बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक चार वर्णों में बट गया। ब्राह्मण का रंग श्वेत सफ़ेद था जो सतोगुण अर्थात पवित्रता का परिचायक था। क्षत्रियों का लोहित लाल रंग राजस गुण अर्थात क्रोध को व्यक्त करता है। वैश्यों का पीला रंग तमोगुण एवं अपवित्रता का परिचायक था। विभिन्न वर्णों के अलग अलग रंग अवश्य थे किंतु ये वर्ण विभाजन का आधार नहीं होकर स्वभावतः विशेषताओं का गुण को व्यक्त करते थे। गीता के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का आधार गुण। भगवद गीता में बताया गया है
कि समाज का चार वर्णों में विभाजन व्यक्ति के गुणों के आधार पर हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के चौथे अध्याय में बताया है कि हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाजन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र सभी मेरे द्वारा बनाए गए हैं। गीता में वर्ण निर्धारण में गुण को विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय दर्शन में गुण तीन प्रकार के होते हैं, सत्गुण, रजगुण और तमगुण। इन गुणों में ही मन की रचना होती इन गुणों से ही मन की रचना होती है तथा उसकी तीन प्रवृत्तियां सात्विक, राजसिक एवं तामसिक बनती है। इन प्रवृत्तियों के आधार पर ही समाज चार वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त हुआ है। जिस व्यक्ति में सात्विक प्रवृत्ति की प्रधानता होती है वह जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखता है और ब्राह्मण वर्ण में माना जाता है। जिसमें सात्विक और राजसिक प्रवृत्ति की प्रधानता होती है वह व्यक्ति क्रियाशीलता की प्रमुखता के कारण क्षत्रिय वर्ण में माना जाता है। राजसिक तामसिक प्रवृत्ति से युक्त व्यक्ति वैश्य कहलाता है। तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में अज्ञानता पाई जाती है और वह शूद्र कहलाता है। मनु ने भी व्यक्तिगत गुणों के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति मानी है। आधुनिक विद्वानों के विचार, वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म अथवा कर्म। यहाँ वर्ण व्यवस्था के संबंध में एक मूल प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति को किसी वर्ण विशेष की सदस्यता गुण तथा कर्म के आधार पर प्राप्त होती है अथवा उसके जन्म के आधार पर। साधारणतः गुण तथा कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता है, परंतु फिर भी इस संबंध में विद्वानों के मत में भिन्नता पाई जाती है। वर्ण सदस्यता के आधार के संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन की मान्यता है कि यद्यपि इस व्यवस्था में आनुवांशिक क्षमताओं का महत्व अवश्य था, परंतु फिर भी यह व्यवस्था प्रमुखतः गुण तथा कर्म पर आधारित थी। आपने महाभारत तथा उसके पूर्व के काल की प्रमुख घटनाओं के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि उस समय वर्ण परिवर्तन संभव था। विश्वामित्र, राजा जनक, महामुनि व्यास, वाल्मीकि, अजमेर और पुरामेर अपने गुण तथा कर्म के आधार पर अपना वर्ण परिवर्तन कर पाए। यदि वर्ण निर्धारण का आधार जन्म होता तो इन लोगों के लिए अपने वर्ण को बदलकर किसी अन्य वर्ण की सदस्यता प्राप्त करना संभव नहीं होता। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार किसी भी वर्ण की सदस्यता प्राप्त कर सकता था। इससे स्पष्ट है कि वर्ण का आधार गुण तथा कर्म था, न कि जन्म। डॉक्टर जी एस घूरिए ने वर्ण निर्धारक में व्यक्तिगत विशेषताओं को महत्व दिया है। आपने बताया है कि वर्ण का संबंध रंग से है। आपके अनुसार आरंभ में भारत में केवल दो ही वर्ण थे, एक आर्य और दूसरा दास या दस्यु। आर्यों ने विजेता होने के कारण अपने को उच्च और यहाँ के पराजित मूल निवासी द्रविड़ों को निम्न समझा। उन्होंने अपने को द्विज एवं द्रविड़ों को दास या दस्यु कहा। कालांतर में जैसे जैसे वर्णों की संख्या बढ़ती गई उसके साथ साथ ही उनके कर्मों में भी भिन्नता आती गई। कर्मों की भिन्नता के फलस्वरूप आर्य यानी कि द्विज वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में विभाजित हो गए। इन तीनों वर्णों के एक ही आर्य प्रजाति अथवा द्विज वर्ण से संबंधित होने के कारण प्रारंभ में इनमें खान पान और विवाह के संबंध पाए जाते थे। वे एक दूसरे के साथ सामाजिक संपर्क रख सकते थे। डॉक्टर के एम पणिक्कर ने तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि वर्ण सदस्यता का आधार कर्म था, न कि जन्म। वर्ण का संबंध व्यवसाय के साथ रहा है। यदि जन्म के आधार पर ही वर्ण सदस्यता का निर्धारण होता तो किसी भी वर्ण के लिए अपना व्यवसाय बदलना किसी भी रूप में संभव नहीं होता। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मण धर्म कार्यों के संपादन और अध्ययन के अतिरिक्त औषधि, शस्त्र निर्माण और प्रशासन संबंधी कार्यों में भी लगे हुए थे। वैदिक साहित्य में कहीं भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि लोगों के लिए जन्म के आधार पर व्यवसाय को चुनना अनिवार्य था। महात्मा गांधी ने वर्ण का अर्थ रंग और व्यवसाय दोनों से लिया है। वे वर्ण को वर्णानुक्रमण का नियम मानते हैं। उनका मत है कि एक व्यक्ति को अपने पिता से रंग एवं व्यवसाय दोनों ही वंशानुक्रमण में प्राप्त होते हैं, अतः वर्ण का आधार जन्म ही है। बसंत कुमार चट्टोपाध्याय भी वर्ण का आधार जन्म मानते हैं, न कि कर्म। यदि कर्म ही वर्ण का आधार होता तो द्रोणाचार्य ब्राह्मण न होकर क्षत्रिय होते, क्योंकि वे कर्म से क्षत्रिय व जन्म से ब्राह्मण थे। या हमें यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि वर्ण व्यवस्था कोई ईश्वर व्यवस्था नहीं
बल्कि पूर्णतः मानव रचित व्यवस्था है। विभिन्न तत्वों के आधार पर यह कहना उचित होगा कि यह व्यवस्था न तो पूर्णतः गुण और कर्म पर आधारित थी और न ही पूर्णतः जन्म पर। प्रारंभ में इस व्यवस्था का आधार गुण तथा कर्म था, लेकिन धीरे धीरे जन्म को महत्व बढ़ने लगा और समय के साथ साथ व्यवसाय आनुवंशिक होते गए। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अपरिवर्तनशील होती गई और व्यवसाय की भिन्नता के कारण व्यक्तियों की स्वभावगत विशेषताएं भी बदलती गई। यद्यपि भारतीय सामाजिक संगठन वर्ण व्यवस्था से काफ़ी प्रभावित रहा है, परंतु आज यह व्यवस्था मात्र सैद्धांतिक व्यवस्था बनकर रह गई है। आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व से ही वर्ण विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित होने लग गए थे। आज जो सैकड़ों जातियां और उपजातियां हिंदू सामाजिक संगठन का आधार बन गई हैं। विभिन्न वर्णों के कर्तव्य अर्थात वर्ण धर्म। विभिन्न धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के अलग अलग कर्तव्य या वर्ण धर्म बताए गए हैं। ऐसा करने का उद्देश्य समाज को श्रम विभाजन का लाभ पहुंचाना रहा है। प्रत्येक वर्ण के दायित्व को निर्धारित कर एक ओर यह प्रयत्न किया गया है कि सभी कार्य विशेष ज्ञान के आधार पर संपन्न किए जाएं, और दूसरी ओर यह है कि कोई भी वर्ण किसी अन्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। सबसे पहला धर्म है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण का मुख्य धर्म इंद्रिय संयम बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार वेदों का अनुशीलन यानी कि अभ्यास करना, तप करना, अध्ययन अध्यापन करना एवं यज्ञों का संपादन करना ब्राह्मण के मुख्य दायित्व हैं। ब्राह्मण के 6 कर्तव्य बताए गए हैं: अध्ययन और अध्यापन, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। ब्राह्मण को सौंपे गए इन सभी दायित्वों का संबंध सात्विक गुणों के साथ है और सात्विक गुणों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही कारण है कि ब्राह्मणों को समाज में सबसे उच्च स्थिति प्रदान की गई है। ब्राह्मणों के लिए यह भी कहा गया है कि उसे शांत प्रकृति का होना चाहिए, धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए और पवित्रतापूर्ण जीवन बिताना चाहिए। मनु ने यह भी बताया है कि यदि ब्राह्मण उपयुक्त कार्यों से अपनी जीविका नहीं कमा सके तो उसे आपद धर्म के रूप में क्षत्रिय धर्म के पालन से अपनी आजीविका कमाने की आज्ञा है। क्षत्रिय धर्म, परोपकार करना, प्रजा की रक्षा करना और युद्ध में वीरता दिखाना क्षत्रिय के महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मनुस्मृति के अनुसार राजा प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना एवं विषयों में आसक्ति न रखना क्षत्रियों के प्रमुख कर्म हैं। क्षत्रियों को इतना समर्थ होना चाहिए कि वे दुष्टों को दंड दे सकें। महाभारत में उसे क्षत्रिय माना गया जो वेदों के अध्ययन और ब्राह्मणों को दान देने में रुचि रखता है और क्षत्रियोचित कर्म को पूरा करता है। गीता में क्षत्रियों के 7 प्रकार के धर्म बताए गए हैं: शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान देना और निस्वार्थ भाव से प्रजा का पालन करना। क्षत्रियों का यह भी दायित्व बताया गया है कि उन्हें प्रजा में अपने धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। वैश्य धर्म, वैश्यों का धर्म समाज के भरण पोषण का दायित्व अपने ऊपर लेकर समाज के अस्तित्व को बनाए रखना है। महाभारत में बताया गया है कि वैश्य वे हैं जो वेदों के अध्ययन से संपन्न होकर व्यापार, पशुपालन एवं कृषि कार्य से अन्न का संग्रहण करने में रुचि रखते हों। वैश्य का यह कर्तव्य है कि वह उचित साधनों से धन का संग्रह करे। मनुस्मृति में वैश्यों के कर्तव्य इस प्रकार बताए गए हैं: पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज पर धन देना एवं कृषि करना। गीता के अनुसार कृषि, गौ रक्षा और व्यापार वैश्यों के मुख्य कार्य हैं। शूद्र धर्म, अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का प्रमुख धर्म बताया गया है। मनु के अनुसार शूद्रों का एक ही धर्म है और वह है अन्य तीनों वर्णों की बिना किसी ईर्ष्या भाव से सेवा करना। शूद्रों के लिए यह कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो सके उसे किसी ब्राह्मण के सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। क्षत्रिय या वैश्य का सेवक तो उसे आजीविका कमाने की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार ही बनना चाहिए। शूद्र के लिए बताया गया है कि उसे अध्ययन, धन संग्रह एवं अन्य वर्णों के व्यवसाय अपनाने का कार्य नहीं करना चाहिए। शूद्र को अपने स्वामी की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए।
स्वामी की संपत्ति नष्ट हो जाने पर उसे अपने बच्चों आदि के भरण पोषण के बाद बची हुई शेष संपत्ति को स्वामी के भरण पोषण पर खर्च करना चाहिए। जहाँ शूद्र पर अन्य वर्णों की सेवा का दायित्व डाला गया है, वहाँ अन्य वर्णों का यह कर्तव्य बताया गया है कि उन्हें शूद्रों की आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। विश्व की सामाजिक व्यवस्थाओं में वर्ण व्यवस्था अद्वितीय स्थान रखती है। इसकी जो संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताएं हैं वो हैं, पहली श्रम विभाजन पर आधारित। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के कर्म इस प्रकार निर्धारित किए गए थे कि सभी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, प्रत्येक अपने दायित्व का पालन करता हुआ सामाजिक प्रगति में योग देता। विशेषीकरण में सहायक, जहाँ वर्ण व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के कार्यों का विभिन्न वर्गों में विभाजन हुआ, वहाँ उसके परिणाम स्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार के कार्य को करने से लोगों को कार्य विशेष में निपुणता की प्राप्ति हुई। इससे संपूर्ण समाज को विशेषीकरण का लाभ मिला। गुण एवं स्वभाव पर आधारित, यद्यपि कुछ लोग वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप मानते हैं, परंतु प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्रारंभ में इस व्यवस्था का आधार व्यक्ति के गुण एवं स्वभाव रहा है। धीरे धीरे इस व्यवस्था में कठोरता आती गई और जन्म का महत्व बढ़ गया। शक्ति एवं अधिकारों का निश्चित वितरण, इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों की विभिन्न भिन्न शक्तियां और अधिकार रहे हैं। यद्यपि शक्ति और अधिकार की दृष्टि से ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च रही है, परंतु अन्य वर्णों को भी सामाजिक दृष्टि से महत्व दिया गया है। सभी वर्णों को समाज रूपी शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में मान्यता प्रदान कर सभी के कार्यों को सामाजिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना गया है। कौन किस कार्य को करेगा, कौन किस वर्ण का सदस्य होगा, यह व्यक्ति विशेष के गुण एवं स्वभाव पर निर्भर करता है। धीरे धीरे विभिन्न वर्णों में शक्ति एवं अधिकारों की दृष्टि से एक निश्चित समस्तरण पनपने लगा, जिसने एक वर्ण को दूसरे से ऊंचा अथवा नीचा मानने में योग दिया। व्यवसायों का पूर्ण निर्धारण, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण के कुछ परंपरागत पूर्व निर्धारित व्यवसाय रहे हैं। साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण से संबंधित व्यवसाय को अपनाने की ही आज्ञा थी। यद्यपि भृगु ने बताया है कि व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर ही उसका वर्ण निर्धारित होता था, लेकिन यह वर्ण व्यवस्था के विकास की प्रारंभिक व्यवस्था के समय की बात है। बाद में तो व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण उसके वर्ण विशेष की सदस्यता के आधार पर ही होने लगा। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि व्यावसायिक निश्चितता वर्ण व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुणात्मक प्रेरणा, वर्ण व्यवस्था ने व्यक्ति को अपने वर्ण धर्म का पालन करने की विशेष प्रेरणा प्रदान की। यह कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने वर्ण धर्म का पालन करेगा उसे इस जीवन में उच्च स्थान प्राप्त होगा ही, परंतु आगामी जीवन में भी इसका फल मिलेगा। उसका जन्म ज़्यादा अच्छे कुल और वर्ण में होगा। इस प्रेरणा ने व्यक्ति को कर्तव्य पालन के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया। आध्यात्मिकता पर विशेष जोर, भारतीय संस्कृति में आध्यात्मवाद को विशेष महत्व दिया गया है। वर्ण व्यवस्था को धर्म के साथ इस प्रकार जोड़ दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व निर्वाह को पुनित कर्तव्य के रूप में समझने लगा। भारतीय विचारक इस बात से भलीभांति परिचित थे कि अनावश्यक व्यक्ति स्वतंत्रता सामाजिक संघर्ष को बढ़ाने में योग देती है। यही कारण है कि यहाँ वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण धर्म का निर्धारण इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वधर्म के पालन को सर्वाधिक महत्व दे। वर्ण व्यवस्था में सामूहिक कल्याण के साथ साथ व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति पर भी पूरा पूरा ध्यान दिया गया। कर्म के सिद्धांत एवं पुनर्जन्म की धारणा पर जोर, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न व्यक्ति अपनी अपनी सामाजिक स्थिति से संतुष्ट रहे और उसके अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे, इस हेतु इस व्यवस्था को कर्म के सिद्धांत एवं पुनर्जन्म की धारणा के साथ जोड़ दिया गया। ऐसा करके एक ओर व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति संतुष्ट रहने और दूसरी ओर अपने दायित्व को ठीक ढंग से निर्वाह करने की
प्रेरणा प्रदान की गई। अब हम वर्ण व्यवस्था के कार्य और उसके समाजशास्त्रीय महत्व पर चर्चा करेंगे। उपनिषदों, महाभारत एवं कुछ स्मृतियों में वर्ण व्यवस्था का जो रूप देखने को मिलता है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस व्यवस्था के माध्यम से समाज का मनोवैज्ञानिक आधार पर कार्यात्मक विभाजन किया गया था। इस व्यवस्था ने सभी वर्णों के लोगों को अपने दायित्वों को निभाने की अपूर्व प्रेरणा प्रदान की। इस व्यवस्था के द्वारा लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि जो व्यक्ति अपने वर्ण धर्म के अनुरूप कार्य करेगा, उसे अगले जन्म में उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त हो सकेगी। इसने समाज को अलग अलग खंडों में बांटने के बजाय उसे संगठित करने और पारस्परिक अंतर्निर्भरता बनाने में योग दिया। विभिन्न क्षेत्रों में इस व्यवस्था के समाजशास्त्रीय महत्व पर हम चर्चा करेंगे। पहला है कर्तव्य पालन की प्रेरणा। इस व्यवस्था ने वर्ण धर्म के पालन पर जोर देकर लोगों को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहने को सदैव प्रेरित किया है। लोगों को एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोका गया और यह बताया गया है कि अपने वर्ण धर्म के अनुरूप कार्य करते रहने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। यह एक ऐसी प्रेरणा थी जिसने सदियों तक व्यक्ति को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देने को प्रोत्साहित किया। श्रम विभाजन व विशेषीकरण की एक अद्वितीय व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने पिता के परंपरागत पेशे को अपनाना होता था। इसका कारण यह है कि प्रत्येक का एक निश्चित वर्ण धर्म रहा है जिसके अनुरूप कार्य करने को की ही उससे आशा की जाती है। इस व्यवस्था से न केवल सभी कार्यों के ठीक प्रकार से संपन्न होने की ओर बल्कि समाज को विशेषीकरण का पूरा लाभ दिलाने की ओर भी पूरा ध्यान दिया गया। जन्म से ही बालक अपने पारिवारिक पर्यावरण में अपने पिता के व्यवसाय को सीखने की ओर प्रबल होता रहा है। इसके लिए उसे कहीं विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार का कार्य करते रहने से समाज को विशेषीकरण का पूरा लाभ मिला है। यही कारण है कि ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भारत काफी आगे रहा है। अगली विशेषता है इसकी या समाज लचीली व्यवस्था। इस व्यवस्था ने नियंत्रित गतिशीलता के आधार पर सामाजिक प्रगति में योग दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को अपने गुण तथा कर्म के आधार पर एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की छूट दी गई है। व्यक्ति निम्न वर्ण से में जन्म लेकर भी उच्च वर्ण का सदस्य बन सकता है। इसके कई उदाहरण स्पष्ट देखे गए हैं। सामाजिक संघर्षों से छुटकारा। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अपने वर्ण धर्म के पालन में लगा रहा है तथा प्रत्येक को एक निश्चित सामाजिक स्थिति प्राप्त होती रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी विशेष सामाजिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करने की आवश्यकता नहीं रही है। जहाँ प्रतियोगिता अधिक होती है, वहाँ इसके अनियंत्रित हो जाने पर सामाजिक संघर्ष की संभावना भी बढ़ जाती है। वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक संरचना में प्रत्येक की सामाजिक स्थिति निर्धारित कर समाज को सामाजिक संघर्षों से बचाने में अपूर्व योग दिया है। इस व्यवस्था ने प्रत्येक व्यक्ति की आजीविका, व्यवसाय और कार्य क्षेत्र को निर्धारित कर उसके सामाजिक और मानसिक जीवन को विघटित होने से बचाया है। समानता की नीति पर आधारित वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के अलग अलग कार्य होते हुए भी सामाजिक व्यवस्था में सभी वर्णों का समान महत्व था। प्रत्येक वर्ण की सेवाओं को सामाजिक दृष्टि से समान महत्व प्रदान किया गया था। यद्यपि इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के रूप में समाज का कार्यात्मक विभाजन तो हुआ है, परंतु सभी वर्णों को एक दूसरे के समान माना गया है। जब सब वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से मानी गई है, तो किसी एक वर्ण का दूसरे की तुलना में उच्च अथवा नीचा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सभी अंगों का समान महत्व है। रक्त की शुद्धता। भारत में समय समय पर अनेक प्रजातीय समूह आए और कालांतर में यहीं के मूल निवासी बन गए। ऐसी दशा में सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार संगठित करना आवश्यक था जिससे रक्त की शुद्धता बनी रहे। अतः वर्ण व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न प्रजातीय समूहों को रक्त की शुद्धता को बनाए रखने का अवसर मिला।
आर्य और द्रविड़ प्रजाति भिन्नता के कारण ही अलग अलग वर्णों में विभक्त हो गई। द्रविड़ को शूद्र वर्ण में रखा गया और रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से उन्हें अन्य वर्णों के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की आज्ञा नहीं दी गई। साथ ही प्रत्येक प्रजातीय समूह को वर्ण व्यवस्था के कारण अपनी संस्कृति विशेषताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का अवसर भी मिला। शक्ति संतुलन बनाए रखने में योग वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रयत्न किया गया। विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ कुछ व्यक्तियों या उनके कुछ समूहों में ही केंद्रित न हों। समाज में शास्त्र या ज्ञान शक्ति, शास्त्र या सेना बल, अन्य शस्त्र या सेना बल, अन्य या संपत्ति तथा सेवा या श्रम का बल नामक चार प्रकार की शक्तियाँ पाई गई हैं। इन सभी शक्तियों के कुछ ही व्यक्तियों या उनके किसी विशेष समूह में केंद्रित हो जाने पर समाज में अत्याचार बढ़ जाने की संभावना रहती है। यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चारों शक्तियों और उनमें संबंधित पुरस्कारों को अलग अलग रखा गया है। समाज को अन्याय और अत्याचारों से बचाने के लिए इस व्यवस्था में सम्मान, शासन एवं धन को एक दूसरे से पृथक रखा गया है। तो आज हमने वर्ण पर विस्तृत चर्चा की, उसके अर्थ को जाना, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इससे जाना, विभिन्न विद्वानों ने जन्म वर्ण का आधार क्या माना है, जन्म अथवा कर्म, विभिन्न वर्णों के वर्ण धर्मों को भी हमने यहाँ पर जाना, वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं और उसके समाजशास्त्रीय महत्व पर चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ण से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने में सफल हुआ होऊंगा। अब मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक प्रश्न देना चाहता हूँ जो आप घर पर करें। वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में कई सिद्धांत प्रचलित हैं। परंपरागत सिद्धांत अथवा घुरिये के सिद्धांत की आप समीक्षात्मक व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।